एवरीवन, टुडे आज संडे है तो आज सारा घर का काम है। घर के पीछे बहुत सारा कचरा जमा हुआ तो उसको जला देते हैं। मुझे पता है जलाने से पॉल्यूशन होता है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। यहाँ कोई कचरा वाला आता नहीं है जो उसको उठा के या साफ करके दिया जाए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या पोजीशन है। ये देखिए, पूरा कचरा जमा है तो इसको साफ करेंगे अभी, और देखते हैं आगे आगे क्या करते हैं, अपडेट देते हैं। ये देखिए, मेरा डोडो सोया हुआ है, सॉरी डोडो नाश्ता कर रहा है, ब्रेकफास्ट, वो भी क्या फ़ोन लेके। डोडो हाय बोल दो। ठीक से मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरा छोटू चालू रेडी हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं कचरा जलाने के लिए। छोटू, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कचरा जलाने। यहाँ देख के बोलो कैमरा में। कचरा जलाने के लिए जा रहे हैं। तो आपको अपने घर का वॉक अराउंड देते हैं, बैक साइड का, बने रहिए साथ। चले, ये देखिए डोडो आगे आगे जा रहा है। चलो चलो, उठा के लेके चलो डंडा को। देखिए कितने सारे पेड़ है हमारे पीछे, घर के पीछे। अमरूद का पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है, ये फूल का पेड़ है। मुझे मैं आ रहा हूँ, फिर काटेगा फिर भागेगा तुम। कितना ग्रीन है, ग्रीनरी है हमारे घर के पीछे, देख रहे दोस्तों। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है। पापा ये वाला उठा लो। ये देखिए, ये कचरा उठा रहा है, जलाएगा। कचरा। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा साफ सफाई का काम कर लेते हैं। संडे है बिकॉज आज करना जरूरी है। दुकान भी साफ करना था, दुकान साफ नहीं कर पा रहे, देखते हैं क्या होता है। जैसे जो होता है आपको अपडेट देते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कचरा सबको जल रहा है पीछे, और ये डोडो भाग के आ गया, इसको पाँव में चींटी काट लिया था। देखिए ये ड्राइंग करके पेस्ट किया था सब दीवार पे, सारा दीवार को खराब कर रहा है। देखिए देखिए, सारा दीवार को खराब कर रहा है, सारा ड्राइंग्स को उधार उधार के फेंक रहा है। डोडो छोड़ दो, दीवार खराब हो रहा है बेटू, वॉल खराब हो जाएगा, छोड़ दो छोड़ दो, दादाजी डांटेंगे। ये देखिए गाइस, आग जल रहा है, से कचरा इतना है, इसको पूरा जलाना असंभव है क्योंकि पानी है, सब गीला कचरा है। तो उसको सोचते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय, दुकान चल के मिलते हैं। आज ड्यूटी नहीं जाओगे? आज संडे है ना। मेरा कितना बड़ा हो गया, जंगल में हुआ था, इसको उठा के एक प्लास्टिक का इसमें डाल दिया था। और ये नींबू का पेड़। अभी डोडो कहाँ जा रहे हो? डोडो ये नीम का पेड़ है दोस्तों, तो ये देखिए बनियान ट्री, पीपल ट्री। पापा, नीम का पेड़ में जन्नत होती है। जन्नत होती है, ये कौन सा वर्ड है? चलो कहाँ जा रहे हो तुम? क्या हो गया? तो दे दिए हैं, ये खा रहा है मस्ती में, चलते हैं अगले के तरफ। ये डुगू को अभी दौड़ाया है भरपेट, डुगू इसके पीछे पीछे दौड़ा है, और ये पीछे से जाके डुगू को दौड़ाया। ये देखिए डुगू का हाल, डुगू कैसे दौड़ा है बताओ तुम। अभी कुछ बोल नहीं पा रहा। कालू, डुगु ये देखिए आ रहा है, ये देखिए आ रहा है।
लो लो ऐसे फीड कर लो। पापा ये आम को ना काटे। हाँ? पापा अंगड़ा लग रहा है। नहीं काटेगा, तुम पीछे घिसे के बैठो थोड़ा। पापा अंगड़ा लग रहा है। कुछ नहीं काटेगा, सामने दे दो, सारा दे दो एक साथ, एक एक टुकड़ के दे। हमको मत काट लेना। तुमको ही काटेगा, तुम दौड़ा क्यों? प्लास्टिक मत खा लेना, तुम गया, तुम मर गया। प्लास्टिक क्यों दिए हो? प्लास्टिक दिए हो तभी ना खाएगा। पापा आप उसको जल्दी प्लास्टिक हटा दो। वो हराउन नहीं खाएगा प्लास्टिक, देखो तो, तुम देखते रहो। वो समझदार है, तुम्हारे जैसा बेवकूफ थोड़ी ना है। देखो वो खा लिया, प्लास्टिक खाया ना खाया। का पीछा नहीं छोड़ेगा। डुगु आओ, देखिए डुगु का हाल, देखिए डुगु के देह पे चरब गया था। देखिए आ जा आ जा, नहीं कुछ होगा, आ जा आ जा डोडो। सेट टू गो, अब जाने का टाइम आ गया है। नहा लिए हैं, पूजा कर लिए हैं, वाइफ नाश्ता लगा रही है, अब नाश्ता करेंगे और निकलेंगे दुकान के लिए। संडे को मैं बोलता हूँ ना प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ हो जाता है कुछ। वाइफ बोल रही थी पापड़िया धाम जाने का बात, तो मैं बोला कि यार अभी बजट थोड़ा ढीला है, तो नेक्स्ट संडे देखा जाएगा। अगर जाते हैं तो वहाँ का एक स्पेशल ब्लॉग आप लोग के लिए आएगा, बालाजी का मंदिर है। तो कीप वॉचिंग, कीप वेटिंग, आई विल शो यू द पापड़िया धाम मंदिर। एंड अभी के लिए देखिए मेरी वाइफ प्यारा सा नाश्ता बनाई मेरे लिए, क्या बनाई है देखते हैं। चलिए तो ये बनाई है अभी आलू चने का सब्जी और परोठा, साथ में दिया अचार, तो इसी लाजवाब डिश के साथ आज का अभी नाश्ता करते हैं, फिर दुकान के लिए निकलते हैं, फिर दुकान पर मिलते हैं। चलो ये मेरे घर में एक अपना दोस्त है, फ्रेंड भी बोल सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा खराब था तो रिपेयर करने के लिए आए, ये उनकी प्यारी सी बेटी है, तो अभी उनका कैमरा रिपेयर हो गया है, तो बस डीवीआर लगाना था, डीवीआर लगा दिए। और एक लाइन के घर में गए, उनका मशीन रिपेयर करना, तो वो रिपेयर थोड़ा बहुत कर दिए, ज़्यादा कुछ तो आता नहीं, थोड़ा बहुत आता है, तो जितना आता कर दिए। दुकान अभी तो गए नहीं है, देखते हैं क्या होता आगे, आगे आपको अपडेट करते हैं, साथ में बने रहिए और ब्लॉग का एंजॉय भी। आज संडे है तो दिन भर घर में ही हूँ, बगल वाले घर में शादी भी है, तो वहाँ पे गाना चला के दिमाग ख़राब कर, जिससे अच्छा दुकान में टाइम स्पेंड किया जाए। दो जगह काम करके आया, अभी दो क्लाइंट फ़ोन किए, मैं सोचा घर चला जाता, तो दो क्लाइंट फ़ोन किया कि भैया आ जाइए काम है, आ गया। आके देख रहा हूँ कि मेरा खुद का पीसी ऑन नहीं हो रहा, देखिए कितना मेहनत से भी ऑन किया, तो ऑन नहीं हो रहा था, इसको ठीक किया, फिर ठीक करने का दिया, ऑन हुआ। अब जान में जाना है, अब टाइम देख लीजिए अब कितना टाइम हो रहा है, ये एक 1:20 हो रहा है। दिमाग ख़राब करने से अच्छा घर के बगल में शादी हो रहा है, उस शादी में थोड़ा दुकान में रह जाते हैं, काम कर लेते हैं, काम के बाद मिलते हैं आपसे, तब तक लिए वेट कीजिए, देखते हैं कैसा रहता है आज का। चलिए गुड बाय, देखते हैं क्या। सारा काम हो गया, ऑलिव ऑयल वाइफ बोली थी लेने के लिए, ऑलिव ऑयल ले लिए हैं, बैठ के गाना सुन रहे थे, क्योंकि वहाँ पे माइंड ऐसा ठीक है नहीं, बहुत सारा चीज़ का टेंशन है, अकेले टाइम पास करने मुझे अच्छा लगता है। संडे तो हर हफ्ते आता है, लेकिन कभी कभी मूड खराब हो जाता है तो बैठ जाता है अकेले गाना भी गाना नहीं, गाना सुन जाते। आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है या खराब लगता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। कुछ और देखना है कोलकाता में तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर ब्लॉग बनाऊँगा, उस पर ब्लॉग डालूँगा। बस अरिजीत सिंह का गाना सुन रहा था, घर से फ़ोन आने लगा कि आइए घर चलते हैं, अभी तक के लिए बाय, जाके देखते हैं कीड़ो क्या कर रहा है, फिर उसको लेके थोड़ा सा बात करते हैं, मस्ती करते वीडियो बनाते हैं, फिर आप सबसे करते हैं। ये देखिए गाना सुन रहा है, घर तो पहुंच गए, कीड़ो सोया हुआ था, मैं इसको उठाया हूँ, देखिए कीड़ो कीड़ो, ये देखिए कीड़ो मेरा लड़की इधर देख रहा है आपको, लड़की थोड़ा हाय बोल दो, लड़की
लड़की अभी गुस्सा में है, सो के उठाए, लड़की का नींद नहीं टूटा, लड़की अभी पार्क जाएगा बोल रहा। लड़की पार्क जाओगे? हाँ नहीं जाओगे, बगल में शादी है तो खूब मस्ती कर रहा बच्चा, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, आज सर आएंगे पढ़ाने के लिए, अब देखते रहिए क्या क्या होगा। दुकान गए नहीं थे, सो गए, दिखाया था लंच करके सो गया, अभी उठा हूँ, मम्मी वाइफ मना कर रही है दुकान जाने के लिए, बगल में शादी है तो शादी में जाना है, संडे संडे को दुकान बाहर चलता है, ये लोग मना कर रहे तो इनका बात सुनना पड़ेगा। कोई नहीं, कल से दुकान जाएंगे फिर से, आज बार के लिए स्टॉप करते हैं। और ये देखिए वाइफ को बोला थोड़ा नाश्ता बनाने के लिए, तो वो मस्त मूढ़ी चाट बनाई है, ये मूढ़ी चाट है, किडो भी खा रहा है अपना मूढ़ी चाट। किडो से आए, से आए, तो बस यही नाश्ता करते हैं, जैसे जो होता है आपको शादी वाड़ी का इन्फॉर्मेशन देते हैं, तब तक साथ बने रहिए, वेट कीजिए। आप देख रहे हैं हम लोग रेडी हैं जाने के लिए, आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा हूँ, चलते हैं। मेरी वाइफ भी रेडी हो चुकी है, कमेंट करके बताइए कि वो कैसी लग रही है। अरे डोडो डोडो डोडो, हे डोडो, रेडी चलो, मिलते हैं गाइस शादी वाड़ी से आके, अभी गुड नाइट नहीं बोलूँगा, आते हैं फिर मिलते हैं, तो गुड नाइट बोलते हैं, बाय। मैरिज पार्टी से आए हैं और रात के 12:15 बज रहा है, इतना लेट हो गया, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री राम।